नमस्कार, डेट है आज की 15 जुलाई और आज हम जो है वो जीके सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल का। एचपी टेट मेडिकल का जीके सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। टेट आर्ट्स वाले भी देखें इसको, टेट नॉन मेडिकल वाले भी देखें और टेट मेडिकल वाले भी देखें, और हो सके तो टीजीटी आर्ट्स वाले जो है इसको आगे शेयर करें। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है इनको आगे शेयर करें। जीके सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं हम। एक एक करके क्वेश्चन को जो है पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद जो है आंसर दीजिएगा उसका। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल रिलेटेड, तो जीके ट्रिक ऐप को जो है सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एचपी टीजीटी आर्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, एचपी टीजीटी आर्ट्स के और एचपी टेट आर्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको स्टोर सेक्शन में, लिंक उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। और ये जो नोट्स हैं आपको, ये जरूरी नहीं है कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होंगे, ये एचपीएसएससी के जितने भी विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड जो है ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। CDP के नोट्स, चाइल्ड साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे स्टोर सेक्शन में जीके ट्रिक ऐप के अंदर। और जो बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो बैच में एनरोल कर ले, मैं बैच ले रहा हूँ। B2QFI कोड यूज़ करना है, B2QFI कोड यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो बायोलॉजी का बैच में कम से कम जो है इस पेपर में जो है कम से कम मेरे बैच में से 40 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन आए थे, तो समझ लो कि प्रोपोर्शन काफ़ी बड़ा था। 60 में से जो है वो 40 क्वेश्चन आए थे इसमें बायोलॉजी में मेरे बैच में से, तो काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन था। तो मैं आपको डीप में यहाँ पे करवा रहा हूँ बायोलॉजी में, आपको जो कमीशन के लिए हिसाब से भी होगा, नीट के हिसाब से भी होगा, कितने भी बड़े एग्जाम हो उस सभी के हिसाब से जो है वो होगा, चाहे वो PGT का हो चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जीके सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। 121 वो क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर वॉन बाय विच मूवी इन 2020 AD। 2020 में ऑस्कर अवार्ड किस पिक्चर को मिला था, तो देखो यहाँ पे पैरासाइट सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हिमाचल प्रदेश द हाईएस्ट माउंटेन पीक शिला फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो शिला पिक जो है आपकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, तो वो आपकी किन्नौर में फॉल करती है, बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना, येन जो है वो जापान की है, ठीक है, येन जो है जापान की है, तो युआन जो है आपकी चाइना की है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेड ऑफिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का जो हेड ऑफिस है वो ब्रसेल्स में है, कहाँ पर है, ब्रसेल्स में, और ब्रसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया, भारत में वाणिज्यिक विमानन का जनक किसे कहा जाता है, तो JRD टाटा को जो है वो कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया JRD टाटा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन हिमाचल प्रदेश वॉज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971, 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिया गया था, तो उस समय वो 18वां राज्य बना था, कौन सा राज्य बना था, 18वां, सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट मंथ ऑफ शक ईरा, शक ईरा का जो है फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जो हिंदू जो कैलेंडर होता है उसका फर्स्ट पहला महीना कौन सा होता है, वो चैत्र होता है, कौन सा होता है, चैत्र होता है, सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ से जो है 100% आपको एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा कमीशन के एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, बिल्कुल इस क्वेश्चन आसान था, ठीक है, सिमरो भंडार नायके, एस भंडार नायके इनको बोलते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वॉन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2020 AD इन क्रिकेट। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पूछा गया है 2020 में किसको दिया गया था क्रिकेट में, तो रोहित शर्मा को दिया गया था, बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थ प्लेस कहाँ पर है, पटना में, पटना साहिब बिहार, ठीक है, बिहार, ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज बॉर्न एट, तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है वो महू में जो है जन्म में थे, ठीक है, अम्बेडकर नगर अब इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है, सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द शॉर्टेस्ट डे। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डे होते हैं वो आपके जुपिटर में होता है। कहाँ होता है? जुपिटर में होता है, लेकिन यहाँ पर जुपिटर ऑप्शन में नहीं है, तो मैं यहाँ पे करूँगा अर्थ, क्योंकि यहाँ पर आपके 25 आवर्स लगते हैं, यहाँ पे 24 लगते हैं, यहाँ पर इन दोनों में ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? तो 1988 में जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो लॉन्च हुई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, दूर संचार के लिए कौन सी तरंगे इस्तेमाल की जाती है? तो माइक्रोवेव्स वहां पर यूज की जाती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 राज्यों से पास होती है, लेकिन उड़ीसा से वो पास नहीं होती है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो नेशनल वोटर्स जो है आप डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्काउट एंड गाइड, स्काउट एंड गाइड के फाउंडर कौन है? बॉडेन पोवल जो है वो स्काउट एंड गाइड के फाउंडर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को जो है नेशनल कंज्यूमर राइट्स जो है डे जो है मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? तो आपको रिकेट्स हो जाती है या ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, बोन से रिलेटेड डिजीज हो जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, वोटिंग एज कब रिड्यूस की गई थी? तो 61st अमेंडमेंट जो था वो वोटिंग एज को रिड्यूस करने के लिए था, और ये कब की गई थी? 1989 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, पार्वती रिवर जो आपकी कुल्लू वगैरह में बहती है, तो मानतलाई झील से जो है वो निकलती है, सोर्स है पानी का वहाँ पे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ किन्नर प्रदेश, देखो किन्नर देश, ये किन्नर देश होना चाहिए था वैसे, तो राहुल संक्रित्यान इसका आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि किन्नर प्रदेश के नाम से मेरे को कोई बुक नहीं मिली, लेकिन किन्नर देश से नाम से मिली, तो राहुल संक्रित्यान उसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, एरिया वाइज जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका हमीरपुर है। सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेन डिड इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, तो इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं आप 21 जून को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं आप? 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वेयर इज सहारा डेजर्ट सिचुएटेड, तो सहारा डेजर्ट कहाँ पर है आपका? अफ्रीका में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच इन प्रेजेंट हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS कौन है आपके? बिपिन रावत जी हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वेन डिड ट्रेजडी ऑफ इंसिडेंट एट धामी अकर, धामी गोलीकांड कब हुआ था, ट्रेजडी कब हुई थी? 1939 में हुई थी वो। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सोला सिंगी धार इज सिचुएटेड, तो सोला सिंगी धार जो है वो ऊना में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लग रहा था मेरे को यहाँ पे, हमीरपुर में भी दिखा रखी थी, क्योंकि हमीरपुर और जो चिंतपूर्णी बादल बॉर्डर पे है वहाँ पर आपको सोला सिंगी धार देखने को मिलेगी, तो कंफ्यूजन भी है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अभी HP टेट और TST आर्ट्स के जो है जो अगली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए जो है नोट्स आप अवेलेबल हैं GK ट्रिक ऐप के अंदर, आप वहाँ से जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।